सबसे पहले रोहित संस्थान की ओर से मेरे साथीगण, मेरे गुरुजन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका इस संस्थान के अंदर आज 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह संस्थान हमेशा यह मान के चला कि एक शिक्षा की ऐसी पूंजी है इस संसार के अंदर जो एक सही रास्ता दिखा सकती है। अंदर आदमी के क्या है वो दुनिया में आगे जाके क्या कर सकता है, इसका एहसास एक टीचर ये जो करा सकता है। 2011 से ही टीचर्स का हमने मान सम्मान किया। रॉयल संस्थान में जो भी फैकल्टी मेंबर है, जो भी संस्थान के साथ जुड़े, जो स्टूडेंट जुड़े, उन्होंने टीचर को, शिक्षक को सब कुछ माना और उसका नतीजा रहा कि 28 की संख्या बढ़ के आज सैकड़ों में पहुंच गई, हजारों में पहुंच गई। उसका एक ही कारण है, गुरुजनों के प्रति मान सम्मान। जब बात आई आंचल के जादूगर के शो की, तब हमारी इच्छा हुई कि क्योंकि 5 सितंबर है, वैसे संडे भी था, लेकिन हमारी इच्छा थी कि 5 सितंबर के दिन अपनी पूरी टीम का सब बच्चों के सामने सम्मान किया जाए, क्योंकि ये हकदार है। इस संस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे, हमारा बच्चा तो आते ही दुनिया के अंदर किसी न किसी लाइन में डाइवर्ट हो गया। मैं आप सभी को विश्वास दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर नए स्टूडेंट है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप उन गुरुजनों से पढ़ते हो, यदि आप इनका मान सम्मान प्रॉपर करते हो तो यही वो गुरुजी है जो 12 महीने बाद में आपको और आपके परिवार को एहसास करा देंगे कि आप कहां थे और कहां तक पहुंच गए, और इस दुनिया में आप अपना टारगेट सेट कर लोगे कि आप अकेले नहीं हो, आप हजारों की सेना के साथ में अपने परिवार का नाम करोगे। वो एनर्जी आपको ये गुरुजी देने वाले हैं। जिस तरीके से आज तक आपने बच्चों को संस्थान में एडमिशन लेने के बाद में सीखा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आगे भी आपकी ये सेवा, ये हमारी पूरी टीम, ये रॉयल टीम इसी तरीके से करती रहेगी। मैं बताना चाहूंगा कि संस्थान ने गुरुजनों के मान सम्मान और गुरुजनों के सहयोग से 2011 से लेकर 2022 तक ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो शायद कहीं जगह सरकार भी नहीं कर पाई। गुरुजनों के सहयोग से हमें लगा कि एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे बच्चे राजस्थान के पढ़ लिख के जाना चाहिए। गुरुजनों का ही सहयोग रहा कि आज पूरे देश के अंदर आपके राजस्थान के बच्चे पढ़ लिख के पूरे देश में अपना नाम कमा रहे और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। ये गुरुजनों के बिना पॉसिबल नहीं। पहले तो आपको मान्यता दिलाई कि नहीं, राजस्थान के होने के बावजूद आप बाहर पढ़ सकते हो। उसके बाद में नीट जैसे कॉम्पिटिशन के बच्चे जो कि 2016 से पहले ज्यादातर सिलेक्ट होकर राजस्थान के जाते थे, उन नीट के बच्चों को टक्कर दिलाने का काम और उनको पीछे छोड़ के, और आपको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जो आप सपना देख रहे हो कि हम भी जो है आईसीएआर में सिलेक्ट होकर पंतनगर जाएंगे, आईआरए जाएंगे, वो इन गुरुजनों के बिना पॉसिबल नहीं है। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होके गए वो इन गुरुजनों की देन है। सब कुछ छोड़ के रात दिन एक करके जब भी आपको जब भी कोई प्रॉब्लम लेके जाओ सर, आपके लिए परिवार छोड़ के बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए आज का जो शिक्षक दिवस है हमारा, वो आपके सम्मान का बनता है। हम पूरे परिवार के जो स्टूडेंट है रोहित परिवार के, वो आज आपका सम्मान करके सभी शिक्षकों का गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा आप सभी अपने गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं और परिवार की ओर से हमेशा आपके आभारी रहेंगे कि आपने जो बच्चे सक्षम नहीं थे, लगता है उनको कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको भी आपने राह दिखाई। मैंने कही क्योंकि आप बच्चों से टच में रहते हो, मैं इनके पेरेंट्स से टच में रहता हूँ, मैं जानता हूँ किस तरीके से ऑफिस में आके 12 महीने बाद में पेरेंट्स बात करते हैं। कईयों का तो रिजल्ट ही नहीं आता, 4 महीने बाद में पेरेंट्स आ जाते हैं, अरे कैसे हमारा बच्चा क्या था, सुबह उठता नहीं था, पढ़ाई के नाम से डरता था, घबराता था, कुछ भी नहीं करता था। अभी आप देखो अपने आप की शेड्यूल बना रहा है, जब भी हमारा बच्चा गाँव आ रहा है बच्चे में 100% चेंज आ गया। चेंज ऐसे नहीं आते, रॉयल की मेज में खाना खाने से केवल चेंज नहीं आते, उसके लिए इनको जिस एनर्जी जिस खुराक की जरूरत होती है वो दिल से उतर के अगर आप दे दो तभी मुझे ऑफिस में वो सब कुछ सुनने को मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। इसके साथ में 2 मिनट का टाइम और लूंगा मैं कि यह संस्थान आपके लिए क्या क्या चाहता है, यह संस्थान जो एग्रीकल्चर के स्पेशली बच्चे उनके लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक एग्रीकल्चर के फील्ड में जो प्रयास हो रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है। चाहे सरकार के स्तर पे हो, चाहे प्राइवेट सेक्शन में हो, चाहे कोई शिक्षण संस्थान हो, अभी भी सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मैं एक एक करके मेरे पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि कैसे हम लोग इग्नोर हो रहे हैं और कैसे आप लोगों को संगठित होकर इन फ्यूचर आपके जो हक है जिसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। पहला आपको यह है कि हम किसान परिवार से आते हैं, सरकार ने यह कहा था और अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका सपना भी था कि 2022 के अंदर किसानों की आय दुगुनी हो, उसके लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन पे लगभग ध्यान दिया गया, हर जगह प्रयास किया गया। लेकिन आज वर्तमान में देखोगे तो किसान की स्थिति वैसी है जैसे पहले थी, 19 में सुधार हुआ है। मुझे लगता है अभी
भी सुधार करने की जरूरत है। और जब तक आप एग्रीकल्चर के बच्चे संगठित होकर हर क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अपना 100% जब तक नहीं दोगे तब तक ये काम अधूरा रहेगा। सरकार की बहुत ज्यादा मंशा है कि किसानों की स्थिति बेहतर हो, प्रयास भी सरकार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है हर आदमी जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, और स्पेशली युवा जो कि मेरे सामने बैठे हैं, 2011 से बहुत बच्चों को पढ़ाया है, अभी वर्तमान टाइम में सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे मुझे लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्लस जितने भी शिक्षण संस्थान है उन सबको मिलकर एक नई एनर्जी के साथ में आपको नया गाइडेंस देने की जरूरत है, और आपको उस पर वास्तव में काम करना पड़ेगा, तभी किसानों की आय दुगुनी होगी और उसके बाद में एग्रीकल्चर की जो परिस्थिति है वो वास्तव में चेंज होगी। कुछ ऐसी जगह है जहां पे सरकार भी आपके लिए अगर काम करे तो मुझे लगता है बेटर होगा। जैसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर जो किसान परिवार के बच्चे हैं, सरकार की तरफ से फ्री में कोचिंग कराने के लिए, क्योंकि एक बच्चा जब साल भर तैयारी करता है तो अच्छा खासा खर्चा लगता है, अगर नीट जेईई की तैयारी करता है तो सरकार की तरफ से जो अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट है, पढ़ने में होशियार है और स्थिति ठीक नहीं है, उनको सरकार की तरफ से मदद की जा रही है, पढ़ने का पैसा भी दिया जा रहा है, 12 महीने तड़क खाने का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उस योजना के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो ICAR, PHE, CET के जो एग्जाम है पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। मैं चाहूंगा आप सब लोग भी रिक्वेस्ट करें, हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार अनुवर्ती योजना है उसके अंदर एग्रीकल्चर के बच्चों को शामिल करें ताकि ज्यादातर बच्चों को फायदा हो सके, इसके लिए संस्थान की तरफ से प्रयास किया जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा DST एग्रीकल्चर के बच्चे, मैं आपके सामने आंकड़ा कराता हूं, जिन बच्चों के 12th क्लास में चाहे वो किसी भी साल के क्यों ना हो 90% से ऊपर हो एक बार हाथ ऊपर करें, जिनके 12th क्लास में 90 से ऊपर है एग्रीकल्चर के बच्चे हैं हाथ ऊपर करें, जिनके 12th में 90 से ऊपर है चाहे इस साल हो या लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर, आप देखोगे काफी बच्चे अराउंड इस होल में गिरूंगा ऊपर नीचे करके 100 से 12 का आंकड़ा जा रहा है। सरकार जो DST डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा हर बच्चे को जो 12वीं में साइंस का 1% बोर्ड में शामिल होता है उनको 80,000 का स्कॉलरशिप जब तक बच्चा ग्रेजुएशन करता है तब तक दी जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर से DST अगर कोई बच्चा करता है और वो 1% अगर शामिल है तो उन बच्चों को जो है वो 80,000 रुपए नहीं मिलते। मैंने पिछले 2 साल से केंद्र सरकार में भी इसके लिए प्रयास किए, आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो DST एग्रीकल्चर के बच्चों को मिलना शुरू होगी। 80,000 रुपए एक बच्चे को एक साल की जब तक वो ग्रेजुएशन करता है तब तक मिलती है, अभी नहीं मिल रही, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ने पे या फिर यूं कहें कि कई बार ध्यान में नहीं रहता कि एक्चुअल में किसके, जैसे मैं बता तो कहते हैं कि जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक भी शायद दूध नहीं पिलाते, तो कई बार सरकार की योजनाएं सरकार को लगती है कि सब कुछ बढ़िया है, डिपार्टमेंट को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसे ही जैसे कि ICAR के अंदर आपके एग्रीकल्चर के अंदर पहले फिजिक्स आती थी, वैसे ही जब अपने बात रखी अपने को परमिशन मिली, वैसे ही अगर अपन सब संघर्ष करेंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले 1-2 साल के अंदर ही शायद DST अपने एग्रीकल्चर के बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर एजुकेशन जब बच्चा 11th में आकर एडमिशन लेता है तो उसको लगता है, कई बार तो उसको पता ही नहीं रहता कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्या है, अगर मान लो कहीं से पता करके ले लेता है तो आस पास के लोग यूं बोलते हैं कि यार एग्रीकल्चर में क्या पढ़ेगा, आगे जाकर क्या करेगा, इसका मतलब है जिस फील्ड को सबसे ज्यादा आगे अपने को बढ़ाना है, जहां अवेयरनेस बढ़ानी है एजुकेशन में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सेक्टर इतना अच्छा मतलब इम्प्रूव नहीं है या पॉजिटिव वे में नहीं किया जा रहा। मैं चाहता हूं आगे भी कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारी ये डिमांड रहेगी कि एग्रीकल्चर को 9th-10th से ही शुरुआत की जाए, ताकि एग्रीकल्चर के पढ़ के बच्चे जब बाहर निकले तो आपके जॉब के चांसेस 9th-10th से ही भर्तियों में चालू हो जाए, प्लस आपका इंटरेस्ट जो है शुरू से 9th-10th से ही चालू हो जाए, हालांकि 6th क्लास से भी कुछ चैप्टर ऐड करते हैं तो बुरी बात नहीं है, ताकि बच्चा दिन से ही सब्जेक्ट के साथ जुड़ सके। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा हो तो उसमें कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जैसे बच्चे मैंने देखा कि कुछ ऐसी कॉलेज है जहां से बच्चे पास आउट होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा, 12 महीने बच्चा अगर वही इंस्टीट्यूट पढ़ता है, मान लो एक साल तैयारी करता है, उसका सरकारी में होप नहीं हो डिजाइन बेटर, लेकिन 12 महीने बाद में बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि यार मैंने कुछ सीखा है, अब जैसे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो सीखा है, मेरे पास बच्चे के जाने के बाद में वो लगता है, अरे भाई सर आप चाहो तो मैं सर जोरदार जो है एग्रीकल्चर पढ़ा सकता हूँ, सर मैं जोरदार ये पढ़ा सकता हूँ, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, मैं आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ या मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, अरे सेकंड ईयर में बेटा कैसे पढ़ाओगे, अरे सर मैंने रॉयल में इतना जबरदस्त पढ़ा मेरे पूरे मंडे के लिए, बस मेरे को आप डेमो लगा दो। हालांकि इंस्टीट्यूट का प्रोटोकॉल है कि लगभग MSc की हो या PhD की हो कोई हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके 12 महीने के बाद ये भावना देखो कि मैंने इतना कुछ सीख लिया कि मैं कमा के खा सकता हूँ, 2 क्लास ले सकता हूँ, मेरे परिवार का घर चला सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे UG कर चुके हैं या ग्रेजुएशन करने किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए डिग्री करने के बाद में कि मुझे सरकारी में मेरा नंबर आया नहीं है, मेरे को कहीं पर भी खड़ा कर दो, मैं डिग्री से मेरा काम चालू कर सकता हूँ, कमा के खा सकता हूँ, मतलब हर कुछ कर सकता हूँ। कहना चाहता हूँ 4 साल बाद में कॉलेज से बच्चे का चेहरा स्माइल
टिकता हुआ बाहर निकलना चाहिए, उसको डिग्री देख के खुशी होनी चाहिए कि मेरे पास डिग्री है अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कई जगह मैंने देखा है किसी न किसी कारण बस बच्चा डिग्री तो लेके आ जाता है लेकिन उसके पास वो सब कुछ नहीं होता जो कि होना चाहिए। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी आपको इन फ्यूचर या जो बच्चे पास आउट है उनकी हम मदद करेंगे। बाकी जिन जिन बच्चों को जहां जहां लगता है पढ़ते हुए कि ये कमी है तो आपको वहां बतानी चाहिए। मैं इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी लेता हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है इसलिए मैं एक शिक्षक की भूमिका के हिसाब से बोल रहा हूँ कि यहाँ पढ़ते हुए जब आपको लगे कि जैसे हमारी इस चीज की कमी है स्टाफ में, यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से करोगे तो ठीक रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके हम मदद करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में वहां डिमांड रखना आपका काम है। मुझे दुख होता है इस बात का जान के कि कई बच्चों को मैं कहता हूँ बीएससी करने के बाद में कि बेटा तुम सरकार कौन है, अरे सर मुझे जॉब की जरूरत है। मैंने कहा तुम सरकारी स्कूल से कौन है, आप क्लास ले लो जाके आपको ठीक ठाक सैलरी देंगे आपकी काम भी चल जाएगा। बच्चा मुझे ये बोलता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं इलेवंथ के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मतलब जो बच्चे मेरे सामने बैठे जो कॉलेज में जाने वाले उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि 4 साल की डिग्री में इंग्लिश सीखना भी एक काम है, इसलिए आपको उससे डरना नहीं है, आपको वहां जाके सीखना है और इसको अपना बनाना है। जैसे आप इंग्लिश सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे से बच्चों को जानते हैं, पेमेंट शीट पे बच्चों के अच्छा खासा पैसा लगता है पेमेंट पे। मुझे लगता है जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और एग्रीकल्चर के बच्चों की पेमेंट शीट कम से कम बंद करनी चाहिए, उनको नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि किसान परिवार के जो भी बच्चे उनको लाख लाख रुपए जो है साल की फीस नहीं देना पड़े। मैं कहना चाहूंगा आपको एक बार कि जब तक अपन नहीं कहेंगे आप लोग अपनी मांग नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप योद्धाओं को मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एग्जाम्पल 2015-16 की बात है। मैं इसी भाषण में बोल रहा था तभी ये गजराज कांत जी हमारे हनुमान जैसे बच्चे थे सुनते थे, मैंने कहा इसी का काम आना जरूरी है। इन बच्चों ने अपनी टीम बनाई काम किया, हमने हमारे पूरे प्रयास रखे, बच्चों ने भी पूरे प्रयास किया और उसका नतीजा रहा कि 2500 रुपए से आपके जो गेट की फीस है वो आपकी 1250 रुपए हो गई। वो एक दिन में नहीं हुई, आप जैसे बच्चों ने संघर्ष किया। इनके लिए आपको तैयार होना होगा, काम करना होगा, प्रयास करने होंगे तो सब चीजें पॉसिबल है। इसके अलावा मैं और आपको बताना चाहूंगा हमने हमारे संस्थान की तरफ से क्योंकि हम एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट से है, मैं हर बार सरकार को डिमांड भेजता हूँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो एक आम आदमी मंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, इसके अलावा सीएम को आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो आम आदमी के नाते कि सर हम चाहते हैं आने वाले बजट में इस तरह की चीज हो तो किसानों को फायदा होगा, एग्रीकल्चर के बच्चों को फायदा होगा। लाइब्रेरी मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट सरकार को भेजी थी, इसमें मैंने सोनू सर से मदद भी ली थी कि सोनू सर आप मुझे पूरी डिटेल बना के भेजो कि और एग्रीकल्चर में किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने डिटेल भेजी, काफी कुछ चीजें मानी भी गई, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे कहने में भेजेंगे क्योंकि हर आदमी ने डिमांड भेजी होगी। तो इस बार हमारी इच्छा है कि पूरे राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन जल्दी अगर राजस्थान में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो तो जहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अपने सब एग्रीकल्चर के बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संस्थान की इच्छा है, ये रॉयल टीम चाहती है कि इन फ्यूचर आने वाले कम ही टाइम में, हालांकि कोरोना का जब मुझे टाइम मिला था तो मैंने कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश प्रोग्राम लंबे टाइम का कर नहीं पाए। हमारी दिल से इच्छा है कि हमें संस्थान की तरफ से फ्री एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कैंपस खोले, फ्री एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कैंपस खोले जहाँ पे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, एमएससी करके आ रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सके बिना कोई चार्ज के। ऐसा हम कैंपस आप सभी बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं, केवल आपको कॉन्फिडेंस के लिए। क्या क्या हो सकता है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि जब हमारी स्टाफ मीटिंग होती है तो हम सब चीजें डिस्कस करते हैं आपस में कि इन फ्यूचर अपने आगे एजुकेशन सेक्टर में क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चा एक बाहर निकल के आ गया कॉलेज से, जरूरी नहीं है बच्चे सरकारी नौकरी लगे, कैसे बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके मार्केट में उतारे और लोगों को जॉब प्रोवाइड बने। तो हम चाहते हैं कि जो हम कैंपस बनाना चाह रहे हैं, जो ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं आप सबके सहयोग से, उसमें क्या क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहेंगे मार्केटिंग की नॉलेज की कि कैसे आप देखो मार्केट के अंदर 2 रुपए वाली गाजर, 4 रुपए वाली गाजर जो किसान बेच के जाता है वो मार्केट में शाम को 16 रुपए किलो हो जाती है, वो कैसे हो जाती है, क्या उसके लिए करना पड़ता है, किस तरीके से आप जो है पैसा भी कमा सकते हो प्लस किसान को ज्यादा पैसा दे सकते हो, तो उसके लिए सीखना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और मार्केटिंग, इसके अलावा प्रोसेसिंग का जो है प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोसेसिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी चीज में, इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर की नई ब्रांच है जो बच्चे जानना चाहते हैं हम उनको डेमो के तौर पे प्रैक्टिकल करा के करना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक है, एरोपोनिक है, इसके अलावा पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, ग्लास हाउस है, वर्टिकल फार्मिंग, ग्लास हाउस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाईटेक कल्टीवेशन, ये सब हम आपके लिए ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और बहुत सारी आपके काम को करना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने मन की बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप आने वाले 2-4 साल में मुझे पूछ सको कि सर आपने उस दिन बोला था मन से उसमें क्या काम कर रहे हो, इसलिए मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। और ये टफ जॉब नहीं है, इसमें लाखों रुपए नहीं लगेंगे, नॉर्मल
सहयोग की जरूरत है। आज रोयल इंस्टीट्यूट, मैं भी आपकी तरह सामान्य परिवार से हूँ, मेरी मम्मी भी मंडी में सब्जी बेचती है। आज ये परिवार इतना बड़ा है, केवल जान पहचान से, केवल एक दूसरे से हेल्प से, तो हम आपके लिए इस काम को जब अपन सब सोच लेंगे करेंगे तो 100% कर पाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, बस डेडिकेशन चाहिए और आपने जिन शिक्षकों का सम्मान किया है, ये टीम इस तरीके की जो तैयार है कि आपके इस काम को बहुत जल्दी आसान कर देगी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी अभी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा टाइम होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि संस्था 2011 से नॉर्मल 20 के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा 20 का नाम भी लेना चाहूंगा, 4 अप्रैल 2011 को 23 कोर्स हमने शुरू किया था। रॉयल इंस्टीट्यूट की जो फीस थी वो 12,000 रुपए थी। 2022 के अंदर 23 कोर्स शुरू किया, उसकी फीस भी 12,000 ही रही। मतलब 12 साल के अंदर सैकड़ों बच्चे आए, लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट की फीस वही रही जो की 12 साल पहले। आज रॉयल आपका ब्रांड है, लेकिन फीस हमने उतनी रखी। एक 12 महीने किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो एक नॉर्मल पैसे में जो फैकल्टी है, हमारा दाल हमारी दालों की सबकी चल सके, और एक बच्चे को 12 महीने ईमानदारी से पढ़ा सके, उतनी फीस लेके हमें ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि गुरु कृष्ण ने आपको दे रहे हो, इसका अभ्यास सही काम आपको देंगे, और पूरी जिंदगी में कभी भी आपको जरूरत पड़े किस रोहित संस्थान की, इसके किसी भी फैकल्टी मेंबर की, तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मैं आपके अंत में इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। अगर आपको संस्थान में कोई गुरु जी डांटे, कभी कुछ भी कह दे, आपके अंदर इंसल्ट कर दे, उसके पीछे उनका दिल में उनके बसावा प्यार है कि नहीं शायद डांटने से कुछ अच्छा होगा। इसलिए मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी गुरु जी का संस्थान में अपमान नहीं करें। अगर कुछ कह दे तो बड़ा आगे रख के उसको आप एक्सेप्ट कर ले। अगर आपको कभी कुछ कहना हो, आपको भड़ास लगा हो, तो जीएम से निकाल देना, लेकिन स्टाफ कहकर कभी भी किसी के आप सामने नहीं होंगे। कभी भी कुछ अगर ये करेंगे तो केवल आपके भविष्य के लिए करेंगे। आप ये सोचते कि हमारे मम्मी पापा कुछ अच्छा चाहते हैं इसलिए डांट रहे, बाकी आप इनके मान सम्मान में कभी मत रहने देना। बाकी ये संस्थान आपको वो कुछ देगा जिसका आपने सोचा ही नहीं होगा। सुनो सर, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर।